हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग एक और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल से ही लेते हैं क्योंकि इसके एक्सरसाइज में जो है नहीं दिया गया है ऐसा क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। देखिए इसका लेते हैं एग्जाम्पल नंबर जो है वह 7। बोलता है अ ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैज टू डिपोज ए एंड बी। एक ईंट बनाने वाला जो कंपनी है या तो बोल सकते हैं उत्पादन करता है वह दो डिपो बनाया है दो जगह पे। क्या है जी? तो ईंट बनाने का काम करता है जिसका नाम दिया गया है ए और बी। विथ अ स्टॉक्स ऑफ 30,000 एंड 20,000 ब्रिक्स रिस्पेक्टिवली। जो डिपो ए में जो है वहाँ तो बोल सकते हैं फैक्ट्री ए में जो बनेगा ईंट वो कितना बनेगा जी? 30,000। और जो बी में जो फैक्ट्री है वहाँ पे कितना बनेगा? 20,000 ब्रिक्स ईंट बनेगा। बोलता है ही रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम 3 बिल्डर्स पी क्यू एंड आर। और वह जो है दो डिपो जो है वहाँ से वहाँ के लिए तीन बिल्डर ने क्या किया है तो ऑर्डर लिया है जिसका नाम दिया गया तीन बिल्डर का पी क्यू एंड आर। वो तीनों बिल्डर को ब्रिक्स क्या करेगा? सप्लाई करेगा। कौन? ए और बी। तो पी का ऑर्डर कितना है? 15,000। क्यू को चाहिए 20,000 एंड आर को चाहिए 15,000 ब्रिक्स। द कॉस्ट इन रुपीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 101,000 ब्रिक्स टू बिल्डर फ्रॉम द डिपोट्स आर गिवेन इन द टेबल। मतलब 1,000 ब्रिक्स 1,000 ईंट यदि वह डिपो ए से कोई बिल्डर के पास जाएगा पर 1,000 मतलब एक हज़ार कर करके जो है यहाँ पे दिया गया उसका कॉस्ट कि 1,000 पर 1,000 ब्रिक्स का जो है कॉस्ट दिया गया है। बोलता था मैन्युफैक्चरर विशेज टू फाइंड हाउ टू फुलफिल द ऑर्डर सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज। बोलता आखिर उसको मैन्युफैक्चरर चाहता है कि वो मिनिमम कॉस्ट पे वो जो ऑर्डर जो आया है बिल्डर से उसको क्या करे? पूरा करे। सो फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम एज एल पी पी। यहाँ पे थ्री दो डिपोट हैं यहाँ गिवेन दैट क्वेश्चन में है टू डिपोट्स ए एंड बी। यहाँ बोल दिया है एंड थ्री बिल्डर्स पी क्यू एंड आर। बोल सकते हैं यहाँ पे कि कैपेसिटी ऑफ ब्रिक्स कैपेसिटी ऑफ ब्रिक्स मैन्युफैक्चर क्रिप कैपेसिटी ऑफ ब्रिक्स प्रोडक्शन एट ए एंड बी आर ये है 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली एंड ऑर्डर फ्रॉम बिल्डर्स पी क्यू एंड आर। आर कितना है जी? 15,000। फिर है 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया गया है फ्रॉम टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर 1,000 ब्रिक्स इन रुपीज़
तीन बिल्डर हैं, ए बी सी ने पी क्यू आर, पी क्यू आर एंड दो डिपो है ए और बी। कॉस्ट दिया गया है 40, 20, 20, 20, 60 एंड 40। तो बोलता है इसे आप मैथमेटिकली क्या करें, फॉर्मुलेट करें, और क्या करना है जी, उसको सॉल्व करना है, मतलब उसको जो है दिया गया प्रॉब्लम को एज ए LPP हम लोग को फॉर्मुलेट करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन में देख ले, यहाँ पे जब हम लोग जो बनाएंगे 30,000 है, 20,000 है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा थोड़ा सा लॉन्ग, इसलिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1,000 ब्रिक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1,000 ब्रिक्स को कितना मान लिया जी, 1 यूनिट। तो देयरफोर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ पी ये कितना हो जाएगा, 30 यूनिट्स, एंड क्यू का कैपेसिटी हो जाएगा 20 यूनिट्स, क्योंकि 1,000 को हमने 1 यूनिट मान लिया है, तो 30,000 है तो हो जाएगा 30 यूनिट, और 20,000 है तो कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। और ऑर्डर जो है, ऑर्डर फ्रॉम ए मान लेते हैं 15 यूनिट्स, बी का जो ऑर्डर है उसको मान लेते हैं कितना जी, 20 यूनिट्स हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा, 15 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को जब इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 रहेगा, 20,000 तो ज़्यादा पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या किया, 1,000 ब्रिक्स को हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया है, तो पी का जो कैपेसिटी अब हो जाएगा 30 यूनिट्स, क्यू का हो जाएगा 20 यूनिट, और यहाँ पे उल्टा ले दिया ना, ए यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी, और ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, पी क्यू एंड आर। तो ऑर्डर जो आ रहा है बिल्डर पी से वो कितना है जी, 15 यूनिट। क्यू से जो ऑर्डर आ रहा है वो हो जाएगा 20 यूनिट, एंड आर से जो ऑर्डर आ रहा है वो हो जाएगा 15 यूनिट्स। अब इसको क्या करना है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। तो उसके लिए वो क्या बोले थे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ता है, तो डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे दो डिपो हैं, ये डिपो कौन कौन है जी, एक डिपो है ए, एक डिपो है बी, और ए का जो कैपेसिटी है कितना है, यह है 30 यूनिट्स, एंड बी का जो कैपेसिटी है वो है 20 यूनिट्स। तीन यहाँ पे बिल्डर हैं पी, फिर है क्यू एंड है आर। पी का जो रिक्वायरमेंट है 15 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, अरे कितना है, 15 यूनिट्स। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया गया है डिपो ए से पी तक जाएगा, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है जी, ₹40। 1 यूनिट मतलब 1,000 ईंट का, तो 1,000 ईंट को हम लोग क्या मान लिए हैं, 1 यूनिट, तो एक 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, ₹40। ए से क्यू तक जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20 यूनिट, ₹20, और ए से आर तक जाएगा तो वो कितना है जी, ₹20। फिर बी से ए तक जाएगा, बी से पी तक जाएगा, तो उसका 1 यूनिट का कॉस्ट है ₹20। फिर बी से क्यू तक जाएगा, उसका 1 यूनिट का कॉस्ट है ₹60, एंड बी से आर तक जाएगा तो 1 यूनिट का कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है ₹40। अब जहाँ तक था हम लोगों ने क्या किया, इसको एज्यूम कर लिया है, तो इधर का हम लोग को अब कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मान लेते हैं कि ए जो है पी को 1 यूनिट सामान दे रहा है, ये जो है क्यू को बी वाई यूनिट सामान दे रहा है। लेट एक्स यूनिट्स ऑफ ब्रिक्स गिवेन बाय ए डिपो, ए डिपोट ए टू बिल्डर पी एंड
वाई यूनिट ऑफ ब्रिक्स गिवेन बाय डिपो ए टू बिल्डर क्यू। मान लिए कि ए जो है पी को एक्स यूनिट सामान दिया, ये जो है क्यू को वाई यूनिट सामान दिया। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो इसको ये भी मान सकते हैं, ए जो है आर को एक्स यूनिट दिया, ये जो है क्यू को वाई यूनिट दिया, ऐसा भी मान सकते हैं बी जो है ए को एक्स यूनिट दिया, बी जो है क्यू को वाई यूनिट दिया। हम लोग एक्स और वाई यहाँ से किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको पता है कि ये एरो आखिर ए से पी तक दिए हैं, पी से ए तक, क्या प्रतिभा में आ रहा, क्या एरो ऐसे दे सकते हैं, क्या एरो ऐसे नहीं देना है? क्यों? क्योंकि यहाँ जो ब्रिक्स जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ए और बी में बन रहा है। तो ब्रिक्स का सप्लाई ए से पी क्यू आर तक होगा और बी से पी क्यू आर तक होगा। यदि आप एरो पी से ए की तरफ दीजिएगा, इसका मतलब सप्लाई होना चाहिए पी से कहाँ तक, ए की तरफ। और बिल्डर तो ब्रिक्स डिपो को देगा नहीं, जब भी देगा तो डिपो किसको देगा, बिल्डर को देगा। तो इसलिए जो है सप्लाई एरो जो देना है किधर, जो है डिपो से किधर जी, बिल्डर की तरफ। तो यहाँ गलती से भी ऑर्डर उल्टा नहीं रखिएगा। तो मान ली यहाँ ए जो है पी को कितना दिया, एक्स यूनिट, ये हो जाएगा एक्स यूनिट्स। ए जो है क्यू को कितना दिया, वाई यूनिट्स, ये हो जाएगा वाई यूनिट्स। अब ध्यान दीजिए कि ए के पास कैपेसिटी कितना है जी, 30 यूनिट्स देने का। कुछ यूनिट्स इसने पी को दिया, कुछ यूनिट्स क्यू को दिया, और उसको कुछ यूनिट्स किसको देना है, आर को देना है। तो सोचिए आर को कितना देगा, तो इन दोनों को जो देने से जो बचेगा वही ना आर को देगा। मान के चलिए मेरे पास 30,000 रुपीज़ है एंड तीन कैंडिडेट में हम लोग को क्या करना, हमको देना है, तो तीनों को देना है। यदि पी तीन कैंडिडेट पी क्यू एंड आर है, यदि इन दोनों को देने से बचेगा, यदि मान के 30,000 था, इन्हीं दोनों को देते हमको 30,000 पैकेट में ख़त्म हो जाएगा पैकेट से, तो आर को हम एक रुपया भी देने वाले नहीं हैं। लेकिन यदि इन दोनों को देने से बचेगा तब हम इसको देंगे, क्योंकि अभी प्रीफर हम पहले ए को पी को किए, फिर किसको किए, क्यू को किए हैं। यदि आप एक्स वाई इधर मानते हैं तो पहले आर को लेते फिर क्यू को लेते, देन हम पी को सोचते कितना दे रहे हैं। तो पी को दिए हैं एक्स यूनिट, क्यू को दिए हैं वाई यूनिट, तो इन दोनों को देने से बचेगा तब देंगे 15 यूनिट, जो देंगे किसको, आर को। तो टोटल कैपेसिटी 30,000 का है, वहाँ 30,000 हमें बांट देना है। तो एक्स को दिया ए को, पी को दिया एक्स, क्यू को दिया वाई, तो इन दोनों को देने से जो बचेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे एक्स प्लस वाई, और इन दोनों को देने से बचेगा ए को जो आर को देंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 30 माइनस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा यूनिट्स। कि इन दोनों को देने से बचेगा तो एक्स प्लस वाई, टोटल इसमें एक्स प्लस वाई जो है खर्च कर चुका है, और 30 है तो 30 में इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। यदि ये डिफरेंस यदि जीरो आ जाएगा मतलब इसको एक भी यूनिट नहीं मिलेगा, यदि ये जीरो नहीं आएगा, नन जीरो आएगा, तो कुछ ना कुछ इसको यूनिट मिलने वाला है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दें कि अब जो है पी जो है, पी जो बिल्डर है, वह दो डिपो से बात किया, हमें ब्रिक्स चाहिए। किससे किससे जी, डिपो ए से भी बात किया है, डिपो बी से भी बात किया है। यदि उसको पी को ज़रूरत कितना है, रिक्वायरमेंट है 15 यूनिट्स का, तो कुछ यूनिट्स यदि मान के पूरा का पूरा सप्लाई ये जो है पी को दे देगा, 15 यूनिट्स यदि पूरा देगा तो बी से वह लेगा नहीं। यदि 15 यूनिट्स मतलब 15,000 ईंट यदि ए यदि पी को दे देगा तो बी डिपो बी से वह ईंट नहीं लेगा, लेकिन यदि वह पूरा नहीं दे पाएगा तो बचा हुआ जो ईंट ब्रिक्स किससे लेगा जी, तो बी से लेगा। तो अभी ये पी जो है ए से कितना लिया है, एक्स यूनिट लिया है, तो बताइए बी से कितना लेगा। तो जिससे टोटल कैपेसिटी इसके पास 15 है, तो 15 में एक्स ले चुका है। यदि हमको 15,000 का ज़रूरत है और दो आदमी से हमने बात किया कि हमें पैसे चाहिए, तो हमको उम्मीद है ये भी कुछ पैसा देगा, ये भी देगा। यदि हमको ये पूरा पूरी पैसा दे देगा तो उससे हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, यदि ये पूरा पूरी पैसा नहीं देगा तो हम उससे भी पैसा लेंगे। तो हमको ज़रूरत है 15,000 का, सोचिए ये यदि हमको 8,000 रुपया दे दिया, हमें ज़रूरत है 15,000 का, 8,000 रुपये ये दिया है, तो उससे हम कितना लेंगे जी, 7,000 मतलब 7,000 लेंगे। निकाले कैसे, 15,000 था, 8,000 दे दिए, 15 में 8 घटा दिए, जो बचा उससे किससे लिए, हम बी से लिए। तो इसको कितना की ज़रूरत है, 15 यूनिट का, ये एक्स यूनिट ले चुका है ए से, तो बी से कितना लेगा जी, 15 माइनस एक्स यूनिट्स। अब क्यू में आइए, क्यू को ज़रूरत कितना का है, 20 यूनिट का है, मतलब 20,000 का ज़रूरत है।
अब कुछ जो है ए से लिया है, कुछ जो है बी से लेना है। यदि ये पूरा का पूरा बी, यदि ए यदि जो है क्यू को दे देगा 20,000, 20 यूनिट्स, मतलब 20,000 ब्रिक्स, यदि ए जो है क्यू को दे देगा तब जो है बी से नहीं लेगा। यदि ए क्यू को पूरा जो है 20 यूनिट्स ब्रिक्स नहीं देगा तो वह किससे लेगा फिर जी? बी से लेगा। तो इसको ज़रूरत है 20,000 का। अरे कुछ इससे लिया है, कितना दिया है? वाई यूनिट्स, मतलब वाई 1,000 बोल सकते हैं दिया है। तो बताओ बी से कितना लेगा जी? तो जो जरूरत था 20 में वाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो किससे लेंगे? तो बी से लेंगे। अब ध्यान दें, अब जो है बी जो है आर को कितना देगा? तो इसको निकालने का दो रास्ता, एक जो इधर से निकालिए एक इधर से निकालिए, दोनों के अनुसार से निकालिएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि तो देखिए हमको आर को कितना यूनिट्स का ज़रूरत है? 15 यूनिट्स का ज़रूरत है। आर को जो ज़रूरत है वो कितना है? 15 यूनिट्स का ज़रूरत है। और बी के पास कैपेसिटी कितना है? 20 यूनिट्स का। इन दोनों को देने से बचेगा तभी वो किसको देगा? आर को देगा। इस मेरे पास मान के चलिए 20,000 रुपया है, कुछ पैसा हमको पी को देना है, कुछ क्यू को देना है, कुछ आर को देना है। तो पी और क्यू को देने से जो बचेगा वही हम किसको देंगे? आर को देंगे। यदि 20,000 मेरा इन्हीं दोनों को देने में खर्च हो जाएगा तो हमें आर को पैसा हम नहीं देंगे। तो ध्यान दीजिए, तो यदि मान कि इसके पास कितना है जी? इन दोनों को जैसे यहाँ पे निकाले थे, इन दोनों को जोड़ दिए 30 में सेपरेट कर दिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 20 में सेपरेट कर देंगे। तो अगर यहाँ से 20 माइनस हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस वाई, तो जगह 20 माइनस ये कितना हो जाएगा जी? 35 माइनस एक्स माइनस वाई, तो जगह 20 माइनस 35 प्लस एक्स प्लस वाई, तो बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 15 ये होगा इतना यूनिट्स। मतलब बी जो है आर को कितना देगा? एक्स प्लस वाई माइनस 15 यूनिट्स समान देगा। तो एक तरीका इधर से निकालने का, इस रास्ते से भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसको ज़रूरत कितना है जी? 15 यूनिट्स का, और इसने ए से इतना यूनिट्स ले चुका है, तो 15 में इतना घटा देंगे तो जगह 15 माइनस 30 माइनस एक्स प्लस वाई, तो 15 माइनस 30 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई, तो आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 15। देखिए यहाँ भी वही आया है, एक्स प्लस वाई माइनस 15। तो इस तरह से हम लोग आसानी से जो है एक डायग्राम जो था, मेन था डायग्राम, वो हम लोगों ने डायग्राम क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है। अब डायग्राम कंप्लीट हो गया है तो सिंपल क्या करना है? यहाँ से कोस्ट निकालना है और कंस्टेंट कंसिडर करना है। तो यहाँ से टोटल कोस्ट की बात करें तो ए से पी तक का एक यूनिट का कोस्ट कितना है जी? 40 रुपीज़। तो टोटल कितना यूनिट सामान दिए हैं? ए जो है पी को कितना दिया है? एक्स यूनिट दिया है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 40x प्लस ये से क्यू तक का एक यूनिट का कॉस्ट है 20, टोटल दिया है वाई यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ से? 20y प्लस ये से आर तक का एक यूनिट का कॉस्ट है 20, टोटल दिया इतना, तो जाएगा 20 माइनस 20 इंटू 30 माइनस एक्स प्लस वाई। फिर प्लस बी जो है बी से पी तक का एक यूनिट का कॉस्ट है 50 रुपीज़ 20, और टोटल कितना गया है जी? 15 माइनस एक्स यूनिट गया है। प्लस बी जो है बी से क्यू तक एक यूनिट का कॉस्ट है 60 रुपीज़, और टोटल गया कितना? 20 माइनस वाई यूनिट। प्लस बी से आर तक का एक यूनिट का कॉस्ट है 40 रुपीज़, और टोटल जो कितना यूनिट गया है? एक्स प्लस वाई माइनस 15 यूनिट समान गया है। अब इसको सॉल्व कर दें, यहाँ जाएगा 40x प्लस 20y प्लस हो जाएगा 3 2 6 600 माइनस हो जाएगा 20x माइनस 20y प्लस 15 2 30 300 हो जाएगा माइनस 20x प्लस 6 2 12 1200, फिर हो जाएगा माइनस 60y प्लस 40x प्लस 40y 15 चौके 60 हो जाएगा 600। यहाँ से 600 600 कट गया। अब यहाँ से बच कितना कितना गया जी? देखिए 40 एंड 40 ये हो जाएगा 80 80, और यहाँ से माइनस 20 कट गया तो
तो ये जाएगा 40x बचा सिर्फ। अब y वाला देखें तो 20y विल कैंसल। देखिए यहाँ पे माइनस 60y प्लस 20 प्लस 40y तो हो जाएगा माइनस 20y। अब इधर बच गया कितना, अब देख लें इधर है प्लस 1200, तो टोटल कॉस्ट हम लोग को आ गया कितना 1200 ना है, टोटल कॉस्ट हम लोग को आ गया है 40x। कितना आ गया 40x माइनस 20y। और यदि हम लोग यहाँ से देखें और कोई टर्म कटने वाला है क्या, तो यहाँ से वो कितना बच कितना गया 1200 और 300 का तो हम लोग काउंटिंग किए ही नहीं, तो कितना हो जाएगा जी यहाँ 1500। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं, ये जो कोस्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं जेड से, तो जाएगा यहाँ से 40x माइनस 20y प्लस 1500, ये हम लोग का जेड आ गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, कंस्टेंट। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, सिर्फ हम लोग जेड को लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग कंस्टेंट बाकी उसको हम पूरा मिटा तो सकते नहीं क्योंकि उधर हमको वो यूज़ करना है। तो यहाँ से आ गया है जेड इज इक्वल टू 40x माइनस 20y प्लस 1500 एंड फोर कंस्टेंट। फोर कंस्टेंट्स कितना हो जाएगा, होगा जाएगा जी जो भी यूनिट सामान देगा, ये जो है पी को देगा वो जो सामान देगा वो तो जीरो होगा तो जीरो से अधिक होगा, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो जाएगा 30 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 30, तो इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 30। और उधर हो जाएगा कितना 15 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 15, तो हो जाएगा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कितना जी 15। फिर वहाँ से है 20 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 20, तो हो जाएगा वाई लेस देन इक्वल टू कितना 20। फिर यहाँ है एक्स प्लस वाई माइनस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो जगह x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। तो हम लोग को चार कंस्टेंट तैयार हो गए हैं। तो हम लोग को देखिए हम लोग को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज z, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करेंगे मिनिमाइज। तो जगह यहाँ से मीन z इज इक्वल टू 40x माइनस 20y प्लस 1500 और सब्जेक्ट टू ये हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 30, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, फिर यहाँ पे एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 15, वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 20, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हम लोग को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हो गया है। तो यहाँ से कभी कभी क्या करता है कोई कोई बुक में क्वेश्चन, क्योंकि ये मिनिमाइज जो हम लोग को जेड आया है, जेड ए टर्म क्या है कॉन्स्टेंट, तो कभी कभी कांस्टेंट को हटा देता है क्योंकि कांस्टेंट हम लोग को एक कांस्टेंट से मतलब बोलता है नहीं रखना है, क्योंकि ये इसके अनुसार से फिर काम, क्योंकि ये 1500 क्या है कांस्टेंट, क्योंकि इसके कारण में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, जो चेंजिंग आएगा इसके कारण से। तो जो जेड इज इक्वल टू 20x माइनस 40x माइनस 20y भी लेता है, लेकिन हम लोग को जितना आया है पूरे ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो जाएगा 40x माइनस 20y कितना जाएगा प्लस 1500। तो यहाँ से हम लोग इसको जब मैथमेटिकली हम लोगों ने क्या कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया है। अब मेन काम था इसका फॉर्मुलेशन, और इसका जो सॉल्यूशन है वह हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था एक्सरसाइज नंबर 31. कहाँ जी 2 में। तो इसको फॉर्मूले जो है मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस क्या था कि इन इक्वेशंस को क्या करेंगे जी, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कोई एक लीनियर इक्वेशंस के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स कंसिडर करने होते थे, 2 पॉइंट लेने होते थे ताकि उसका लाइन ड्रॉ कर सके, और 2 पॉइंट लेकर के आप जो कोऑर्डिनेट प्लेन पे पॉइंट लोकेट करके उन दोनों पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ करते थे, और क्या करते थे कोई एक पॉइंट कंसिडर करते थे, जितने भी इक्वेशंस थे उन सभी का जो है हम लोग लाइन ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पर 4 गो इन इक्वेशंस है, तो यहाँ पर 4 लाइन्स बनते, 4 लाइन ड्रॉ होते, और देखते हैं
वैसा पॉइंट जो इन चारों में से किसी में भी लाइज नहीं कर रहा हो वह पॉइंट कंसिडर करते। और पॉइंट देखिए, ये चारों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था तो क्या कर सकते थे, पॉइंट जीरो जीरो लेते और इसको क्या करते, इन इक्वेशंस में पुट करते। और जिस इन इक्वेशंस के लिए यदि जीरो जीरो सेटिस्फाई करता तो शेडिंग उसी पॉइंट के तरफ मतलब जीरो जीरो के तरफ होता, यदि सेटिस्फाई नहीं करता तब शेडिंग जो पॉइंट लिए हैं उसके ऑपोजिट साइड में उसका शेडिंग करते। उसके बाद जो कॉर्नर पॉइंट्स आते, कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट यदि मालूम होता ठीक नहीं तो फिर उसका क्या है, तो इक्वेशंस को सॉल्व करके कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालते और जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स थे उसका वैल्यू निकाल करके या जेड का उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालते और उसमें से जो सबसे छोटा होता वो उसका क्या होता, रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि मिनिमाइज बोला है। और कौन पॉइंट पे मिनिमाइज आ रहा है वो भी देखना था कि जिस पॉइंट पे मिनिमम आ जाएगा तो वही उसका क्या होता, रिक्वायर्ड आंसर होता। तो ये हम लोग का कंप्लीट प्रोसेस था इसको सॉल्व करने का। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे बड़ा टफ काम है उसमें वो है आपका जो ये डायग्राम, ये मेन है डायग्राम। यदि आपको डायग्राम यदि समझ में आ गया है तब तो बहुत अच्छी बात, यदि डायग्राम थोड़ा सा भी कहीं आपको कन्फ्यूज़न होगा तो फिर आपको इधर का कैलकुलेशन, क्योंकि इधर जो भी आया है वो इस डायग्राम के थ्रू ही आया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग मान लिए थे कि वन यूनिट को कितना जी, 100 1000 ब्रिक्स। यदि आप मान सकते हैं कि इसको एक्स यूनिट को मान लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप नहीं भी मानते 1000 ब्रिक्स को वन यूनिट तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो वहाँ पे हम लोग 15000 लिखते हैं, 30000 लिखते हैं, मतलब यहाँ पे जो 20 यूनिट्स वगैरह लिखे हैं, यूनिट्स के हज़ार यूनिट्स को हटा कर क्या रहता, वहाँ पे 1000 कर देते तो भी आंसर उसी फॉर्म में आता। तो यहाँ पे आंसर सिर्फ क्या होता, वो बड़ा बड़ा आया था, बड़ा होता। यहाँ पे 30 है 30000 आता, 15 है तो 15000, 15000 20000 आता, इस तरह से आता। तो यहाँ भी उसके अनुसार से ये तो इसमें चेंजिंग कुछ नहीं होता, इसमें चेंजिंग कुछ वैसा कुछ चेंजिंग नहीं होता, उसके अनुसार से हम लोग काम कर सकते थे। तो आपको जैसे मर्जी यदि आप, लेकिन हाँ यदि यूनिट्स मान लेते हैं तो हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। तो चलिए इसको आप नोट कर लें। इस तरह से हम लोग को दो एग्जांपल देखें किसका जी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 31.3 में नहीं दिया गया हुआ था, इसलिए हम लोग को एग्जांपल का हेल्प से हम लोग को क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ा। तो इसके साथ हम लोग का जो है 31.3 हो गया कंप्लीट। हम लोग जो है देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 31.4 और उसके आगे के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।